हजार मॉक टेस्ट सॉल्व कर लोगे, वो मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए गलतियां 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 छूटेंगी। अब वो गलतियां जब पेपर में आती है तो तुम फिर भूल जाते हो कि यार मेरा सही आंसर क्या था, और ये तुम्हें एंड में इतना काम आएगा ना, जिस सब्जेक्ट में कर लोगे उसमें जीत जाओगे, सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में कर लोगे तो तीनों में जीत जाओगे। तुम लास्ट में रिविजन करोगे ना बच्चों, तो किसी के भी रिविजन से कहीं ज्यादा अच्छी और तगड़ी रिविजन होगी। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त हो, तंदुरुस्त हो और बहुत बहुत सुस्त हो। सुस्त तो हो ही, जो अभी तक तुमने अपनी प्रिपरेशन ढीली ढीली कर ली है। बच्चों 6 महीने बचे हैं और अब आपको डट जाना है काम पे। मैं हूं आपकी कीनू माम और कीनू माम आपको पढ़ाते हैं पुत्र नीट वाली बॉटनी। आज हमारा टॉपिक क्या है डिस्कशन का? आज हमने डिस्कशन करना है कि कैसे आप अपने मिस्टेक्स जो हैं, क्योंकि गलतियां तुम हजार मॉक टेस्ट सॉल्व कर लोगे, वो मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए गलतियां 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 छूटेंगी। अब वो गलतियां जब पेपर में आती है तो तुम फिर भूल जाते हो कि यार मेरा सही आंसर क्या था, तुमने क्या मिस्टेक किया, वो तुम्हारे दिमाग से फिर उड़ जाता है। तो कैसे किया जाए कि वो जो आप गलती कर रहे हो वो अब आपके दिमाग से ना निकले? तो उसका तरीका क्या है पुत्र, उसका तरीका समझो। सपोज मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया, मेरे कोई या मेरी कोई किताब है, मैं उस किताब में से क्वेश्चन कर रही थी, उस क्वेश्चन में से, उस पेपर में से मेरे 3 बायो के क्वेश्चन गलत हो गए। अब मैंने क्या करना है, अब वो पेपर है ना मेरे पास, बाकी का पेपर मेरे लिए वेस्ट है। जो आंसर मैंने सही कर दिए, जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में अच्छे से पहले से ही सेट है, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। उस पेपर को कुछ भी करो, उसको साइड पे रख दो अब। लेकिन वो जो 3 क्वेश्चन तुमने गलत किए हैं ना, वो 3 क्वेश्चन तुमने काट लेने हैं उस पेपर से और अलग निकाल लेने हैं। हाँ, तो पूरा क्राफ्ट का सामान लेकर बैठा करो आप अपने साथ, वो कैंची कुंची लेकर बैठो मॉक टेस्ट देने, और ये तुम्हें एंड में इतना काम आएगा ना, जिस सब्जेक्ट में कर लोगे उसमें जीत जाओगे, सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में कर लोगे तो तीनों में जीत जाओगे। और अगर आपने ये वाला काम नहीं किया तो देखना फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करने का ही फायदा क्या है। अगर तुम अपनी मिस्टेक रिवाइज नहीं करोगे, और कहां अलग अलग जाके तो रिवाइज कर नहीं सकते, तो जिस चैप्टर की मिस्टेक है, मान लो मैं प्लांट किंगडम कर रही थी, प्लांट किंगडम करते हुए मैंने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत कर दिया, तो मैं वहीं पे उसको काटा क्वेश्चन को और बुक में अंदर अपनी पेस्ट कर दो, अपनी चैप्टर पे उसी जगह पे पेस्ट कर दो कि यार इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया, मैंने गलत किया, ठीक है। और इसी तरीके से मान लो आपका यहाँ पे अब 3 पर्चियां लगी हुई हैं, हो सकता है इस जगह से 3 क्वेश्चन आए, मैंने वो 3 क्वेश्चन गलत किए थे, तो अपने वो पर्चियां आप जरूरी नहीं ना अलग अलग जगह पे लगाओ, एक के ऊपर ऐसे पेस्ट कर दो, ये ऊपर वाली साइड पेस्ट कर दो, नीचे वाली ऐसे उठा के सारे क्वेश्चन उस पेज वाले देख लिया करो। अपना मिस्टेक रजिस्टर अपनी एनसीईआरटी को ही बना दो, फिर तुम्हें ना थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होगा। ये 50 चीजें कैरी नहीं करनी, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी एनसीईआरटी है, तो तुम्हारी एनसीईआरटी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें भी अंडरलाइन हुई हैं, और साथ ही तुम्हारा मिस्टेक रजिस्टर तुम्हारे पास है, तो मतलब तुम उस पेज से मिस्टेक क्या करते हो। सेम चीज तुम अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में भी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन जहां पे तुम्हें दिख रहा है यार ये मैंने गड़बड़ कर दिया था, ये कन्वर्जन थी, मैंने ये गड़बड़ की, तो उसका काटो उसको वहां से और उसको एज सच लगा दो अपनी एनसीईआरटी की बुक में, वहीं पे चिपका दो वो। फिर जब तुम लास्ट में रिविजन करोगे ना बच्चों, तो किसी के भी रिविजन से कहीं ज्यादा अच्छी और तगड़ी रिविजन होगी। तुम सिर्फ रिवाइज नहीं कर रहे हो, तुम टॉपिक के साथ साथ जो तुमने गलतियां की तुम ये भी इंश्योर कर रहे हो कि तुम वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करोगे। तुम देखना इससे तुम्हारी तैयारी कहां से कहां जाएगी, ठीक है। तो जब भी कोई भी पेपर करना है तो वहां पर उस पेपर में जो जो तुमने गलतियां की हैं उसकी कटिंग काटो, उसको बुक है बुक को काट दो ना, क्या हो गया, तुम्हें जो क्वेश्चन आते हैं उसके बाद वो आते हैं ना, अब वो तो तुम ठीक कर ही रहे हो, उसके बाद कोई जरूरत नहीं तुम, लेकिन जो क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो उन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को बुक में से कट कर लो और लगा दो अपनी एनसीईआरटी के ऊपर ही चिपका दो, ताकि वो तुम्हें भूले ही ना। यार ये बेस्ट ट्रिक है मेरे हिसाब से, तो ये बेस्ट ट्रिक है। अब इससे भी कोई अच्छा आइडिया तो तुम कॉमेंट में जरूर बताना, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि अब लास्ट टाइम पे हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो बताओ और फिर कौन आ रहा है साथ देने, ठीक है। और इसके साथ साथ बच्चों, मान लो आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, बच्चे बोलेंगे मैम हम तो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो वो कैसे काटेंगे हम, तो उसको फिर अब आपने स्टिकी नोट्स पे लिखो, तो ऐसे करके आपके पास स्टिकी नोट्स ले लो, है ना, बाजार में मिल जाते हैं इजीली, तो ऐसा एक स्टिकी नोट उठाओ, इसके ऊपर अपना क्वेश्चन लिखो और फिर ऐसे करके चिपका दो अपना स्टिकी नोट।
तो अगर वो आपकी बुक में से है, आपने कटिंग करनी है तो काट के लगा दो, आपने लिख के लगाना है तो स्टिकी नोट पे लिख के चिपका दो अपने बुक में। लास्ट बात ये है कि आपकी किताब के अंदर जो दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो वो होने चाहिए। और तुम देखना टाइम के साथ साथ जो टॉपिक तुम्हारे वीक है ना वो तुम्हारे स्ट्रांग होने लग जाएंगे ये करने से। सेम सेम मिस्टेक तुम दोबारा रिपीट नहीं करोगे और तुम्हारे नंबर तो क्या से क्या ही हो जाएंगे। तो ये छोटी सी चीज तुम्हारी तैयारी को जीरो टू हीरो ले जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब कीनू मैम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आई होप जितने भी हमारे जीरो टू नीट सीरीज चल रही है उसको आप मिस नहीं करें। कीनू मैम बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके जीरो टू नीट सेशंस को बहुत ही फ्रूटफुल और अच्छा बनाने के लिए। अब आपने एक ही काम करना है, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा पैक करना है और क्लास में आके बैठ जाना है। फ्राइडे को क्लास हो रही है 27 सितंबर को और समय रहेगा 6:30 बजे शाम का। तो मिलते हैं क्लास में जो कि होने वाली है कल। बाय। और ये ट्रिक याद रखना, बहुत जरूरी ट्रिक है ये, और मुझे बताना कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चार्ट वाले क्वेश्चन में भी वो जो मैंने आपको चार्ट बनाना बताया था ना, कैसे नोट्स बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, उसमें मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं और बहुत जल्दी हम वो वन चार्ट नोट्स भी बनाएंगे। लेकिन पहले आप अपना जीरो टू नीट पूरी शिद्दत से लगाओ ताकि मुझे पता लगे तुम दिखाते हो हिम्मत। ठीक है, बाय पुत्तर, आई सी यू इन नेक्स्ट क्लास।